Assalamualaikum, जी नमस्ते, सात श्री अकाल, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। दिस इज मी साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वॉचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज का वीडियो हम देखने वाले हैं एक घंटे के अंदर जो है वो रेसलिंग में मतलब गोल्ड मेडल इंडिया ने जीत लिया है, मतलब तीन गोल्ड मेडल जीत लिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मतलब तीन, हाँ तीन, हाँ तो तीन गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि भाई इंडिया इतने धमाल मचा रहा है, एक घंटे के अंदर इतने तीन गोल्ड मेडल जीतना कोई आम बात नहीं होती है। सो चलते हैं, देखते हैं इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, स्पेशली हरियाणा वालों को जिन्होंने मतलब हरियाणा से ये निकल कर आते हैं। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे तो प्रेस कर ही लीजिएगा ताकि सारी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। और मुझे इतनी 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 खुशी हो रही है इंडिया के जीतने पर, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम फीलिंग लाइक मेरी कंट्री से लोग जीत रहे हैं। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं सबसे पहली औरत हूँ वो जिसने पूरे कश्मीर में मुहिम चलाई, और मैं लाल चौक पे जाके खड़ा हुई जहाँ से आज से 70 साल पहले अलगावादी नेता सिर्फ पाकिस्तान के झंडे चढ़ाते थे हर जुम्मे को। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। आप लोगों को आश्चर्यचकित हो रहे होंगे आप सब, मैं यहाँ पर बैठी हूँ और मेरे चारों तरफ आपको तिरंगा नज़र आ रहा है। मैंने इनको नहीं कहा कि आप तिरंगा लेके आना, लेकिन ये खुद से अपने मन से ये कश्मीरी महिलाएं तिरंगा लेके बैठ गई यहाँ पे बात करने के लिए मुझसे। जी कहा कि हमें ये दिखाना है कि कश्मीर को अब भारत का तिरंगा पसंद आता है, कश्मीर किसी और तिरंगे को अब अपना नहीं सकता, सिर्फ भारत का ही तिरंगा है जिसको हम उठाएंगे। तो इसीलिए सारी महिलाएँ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, सबने अपने मन से ये तिरंगा उठाया है। अच्छा, यहाँ पे मैं किस लिए मौजूद हूँ अगर मैं आपको ये बात बताऊँ, और मैं किस जगह हूँ अगर आपको मैं ये बात बताऊँ, तो ये साउथ कश्मीर कहलाता है, अनंतनाग। अगर यहाँ पे मैं स्टोन पेल्टिंग की बात करूँ, पत्थरबाजी की अगर बात करूँ, तो ये गढ़ माना जाता है। माना जाता है कि साउथ कश्मीर में अभी भी हालात को कंट्रोल में नहीं किया गया है, लेकिन उसके बावजूद आपको ये तस्वीर साउथ कश्मीर से अनंतनाग से देखने को मिल रही हैं। मेरे साथ है रोमांसा जी, मैंने इनसे संपर्क किया, बातचीत करने की कोशिश की कि साउथ कश्मीर में मुझे क्या ऐसे लोग मिलेंगे जो मतलब भारत के तिरंगे को अपनाए मतलब उठाएं। तो इन्होंने मुझसे कहा कि एक नहीं, मैं अगर आप मुझे थोड़ा सा समय दें तो मैं आपको न जाने कितने सारे हज़ारों की संख्या में आपको मैं ऐसी महिलाएँ, ऐसे बच्चे, ऐसे नौजवान, ऐसे बुज़ुर्ग मैं आपको इकट्ठा करके दे सकती हूँ जो अपने हाथों में तिरंगा लेना चाहते हैं। तो चलिए मैं अपनी बातों का विराम लगाती हूँ और सीधा मानसा जी से हम बातचीत करते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ साउथ कश्मीर का मुद्दा रहा है। आप सभी अब झंडा अपना नीचे रख सकते हैं, हम लोग आराम से बातचीत करेंगे। और ज़्यादातर महिलाओं को हिंदी भी नहीं आती है, रोमांसा जी हैं जिनको हिंदी आती है, तो हम इनसे से बात करेंगे। आपका रोमांसा जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले मैं ये सवाल पूछूंगी आपसे, ये नैरेटिव सेट किया गया कि कश्मीर में भारतीय झंडा जो है लोगों को पसंद नहीं आता, रास नहीं आता, तो ये चमत्कार में कैसे? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारी इस कश्मीर का एक दर्शन किया आपने। तो ये दर्शन जो है वो 2014 से लेकर है, जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने इख्तदार संभाला। देखिए, पहले की बात हम अगर करेंगे, साउथ कश्मीर गढ़ माना जाता था आतंकवादियों का। अब 2014 से जब से केंद्र में हमारे मोदी जी की सरकार आई, तब से ये सिस्टम पूरा ऑल आउट हो गया। जो यहाँ का मतलब सिस्टम, हमारे जवान थे, हमारी सुरक्षा बल थे, उनका सिस्टम एक ही है कि इस ऑपरेशन को ऑल आउट करना है। अब रही बात 2019 के बाद, 2000 जब से आर्टिकल यहाँ से हट गया, तब से लेकर ये नया कश्मीर बन गया। अब आप देखोगे हर घर हर नगर में यहाँ पे तिरंगा है, लोगों का एक माइंडसेट चेंज हो गया है, हर कोई इस तिरंगे को अपने कंधों पे लेकर चल रहा है, क्योंकि अब कश्मीर बदल गया है। कश्मीर से जो 70 साल की सियासत थी वो यहाँ से टोटली ख़त्म हो गई, लोगों ने उनको रिजेक्ट किया, जो यहाँ की 70 साल से हो रहा था, जो लोगों को दबाया जा रहा था, इस आर्टिकल के नीचे जो लोगों को बोला जा रहा था ये उसकी इज्जत है, ये इसकी इज्जत है, दरअसल ये उन लोगों की इज्जत है जो 70 साल से कश्मीर को लूट रहे थे। ठीक है,
अच्छा, आपने कहा कि यहाँ पे लोगों को बरगलाया जा रहा था, कैमरा ठीक आ रहा है? काला तो नहीं आ रहा, ब्लैकआउट नहीं हो रहा, ठीक है। तो आपने कहा कि लोगों को बरगलाया जा रहा था, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो अलगाववादी नेता हैं जिनको नज़रबंद किया गया, जिनको आज भी ये नज़रबंद हैं, किस तरीके से आप लोगों को बरगलाते थे, आम कश्मीरियों को किस तरीके से बरगलाते? देखिए, जो 2014 से सिस्टम है, वो जो अलगाववादी नेता है वो सब नज़रबंद है। अब कश्मीर में अलगाववादी सिस्टम पूरा ठप हो चुका था पहले, 2014 से पहले अगर हम जाए, ये लोग आम जो कश्मीरी है, आम जो कश्मीरी गरीबों के बच्चे हैं उनको वरगलाते थे, उनको जहाद के नाम पे लेते थे। जहाद या वहद यहाँ कुछ नहीं था, ये आम जो आम कश्मीरी गरीबों के बच्चे थे उनको सड़क पर मरवाते थे और अपने बच्चों को विदेश भेजते थे पढ़ने के लिए। जब से मोदी जी इख्तदार में आए, सब माँ यहाँ पर जितने भी माएँ हैं इनसे भी आप पूछ सकते हो, सब माओं के बच्चे सेफ हैं। ये बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया करना चाहते हैं, जब से उन्होंने देश संभाला है तब से इस देश के जो यूथ है वो भी संभल चुके हैं। आपने टीवी में या फिर आप ये कहीं सोशल मीडिया पे आपने ये सुना होगा कि कश्मीरी जो महिलाएं हैं वो नरेंद्र मोदी को, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको अपना भाई समझती हैं। अच्छा रोमांसा जी, मैं फिर आपके पास आऊँगी लेकिन थोड़ा सा मैं अपने अगल बगल की औरतों से पूछूँगी, इनको हिंदी आती है इनको समझ? किसी को यहाँ पर हिंदी समझ में आती है? आपको आती है हिंदी समझ? थोड़ा सा आप आ गया कि मुझसे थोड़ा सा, मैं ही आ जाती हूँ। चलिए, अब कैसा महसूस करती हैं, सुरक्षित महसूस करती हैं? हाँ, बहुत अच्छी तरीके से महसूस कर रही हैं। पहले कैसा लगता था, पहले डर का माहौल लग रहा था? हाँ, इससे पहले डर का माहौल था, अब डर का माहौल खत्म हो चुका है। कैसा लगता था पहले, अगर मैं ये पूछूँ 370 हटने से पहले, या फिर आप ये कहिए जब अलगाववाद अपने चरम पे था, पत्थरबाजी अपने चरम पे थी, आतंकवाद अपने चरम पे था, कैसा लगता? सब लोग डरते हैं उस टाइम, अगर हम बाहर निकलेंगे कहीं वहाँ से गोली ना आए, यहाँ से गोली ना आए, सब लोग डरते हैं अपने अपने घरों में बैठे बैठे उस टाइम। तो आज कोई नहीं डरता, सब खुल के बाहर निकलते हैं, खुल के बाहर सब लोग आते हैं। अच्छा, आप लोगों का तिरंगा उठाने का जो सफ़र है, आज आप अपने हाथ में तिरंगा उठा रही हैं, फक्र से तिरंगा उठा रही हैं, क्या आज से 3 साल पहले या फिर 2014 से पहले, 3 साल पहले ही आप ले लीजिए तब 370 हटाया गया, उससे पहले आप इतने ही फक्र से तिरंगा उठा पाती? ना, उससे पहले नहीं, हमने कभी उठाया नहीं है उससे पहले। तो आज जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से हम सब लोग बहुत खुश थे, गरीब आवाम के लिए भी बहुत फ़ायदे मिले हैं, जैसे कि गैस मिला है, कि ये चावल मिले हैं, सब कुछ गरीबों के लिए अच्छे अच्छे काम किया। योजनाएं आप लोगों को मिली हैं, मतलब। अच्छा, मैं आपको अगर एक और बात बताना चाहूँ कि जब 370 यहाँ से हटाया गया 3 साल पहले, तो यहाँ पे जो केंद्र से डायरेक्ट यहाँ पे योजनाएं आती। अच्छा, अब मैं योजनाओं के बारे भी आप लोगों को मैं यहाँ के लोकल कश्मीरियों से बताती हूँ। अच्छा रोमांसा जी, एक बात बताइए, ये जो स्कीम आती है, जैसे उज्ज्वला योजना हो जाए, प्रधानमंत्री आवास योजना हो जाए, और भी ना जाने बहुत सारी ऐसी केंद्र से योजनाएं जो आप लोगों तक पहुंचती थी, क्या 370 हटने से पहले आप लोगों तक वो योजना पहुंचती थी? नहीं, कभी भी नहीं। जो आम व्यक्ति था कश्मीर का, वो इन योजनाओं का मुंह ही नहीं देखता था, ना उसको पता था कि उज्ज्वला स्कीम क्या है, ना उसको पता था आयुष्मान भारत क्या है, ना उसको पता था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में, कौन ओल्ड एज पेंशन है, ये हमारी है, महिलाएं जो बुज़ुर्ग है आप इनको भी बोलिए कि एक एक महीने के बाद इनको 1000 मिलता है, ये किसी पर बोझ नहीं बनती है, चाहे हमारी बेटियाँ देखती है जिनकी शादी होती है, मैरिज असिस्टेंस उनको मिलता है। जब से मोदी जी की सरकार आई, यही योजनाओं के बल पर इस बार कश्मीर में कंवल का खिलना बहुत ज़रूरी है, और खिलेगा भी अचान से और अच्छी तरीके से। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि आप लोगों के शौहर, अगर मैं महिला वाली अगर बात करती हूँ, तो क्या उन लोग, अगर आप तिरंगा उठाती हैं या मान लीजिए मोदी जी की तारीफ़ करती हैं, तो क्या वो कुछ मतलब पीछे से कोई वो मतलब किस तरह का ऑब्जेक्शन? नहीं, यहाँ पर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि ग्राउंड पे काम हुआ है, जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ वो अब हर घर तक, हर व्यक्ति तक जो योजनाएँ हैं वो पहुँच रही है भारत सरकार के द्वारा। आज बिल्कुल ना घोटाला होता है ना कुछ होता है, आज की जो सरकार है वो बिल्कुल साफ सुथरी सरकार है। अच्छा, मैं आपसे रोमांसा जी ये पूछना चाहती हूँ, जब मैं आपसे ऑफ कैमरा बात कर रही हूँ तो आप मुझे ये बता रही थी कि आपने शायद 2019 में आपने पहली बार तिरंगा उठाया, तो वो क्या था वो पूरा मुझे? जो ही यहाँ से आर्टिकल 5 अगस्त को उठ गया, तो हमारा इंडिपेंडेंस डे आ रहा है,
15 अगस्त को, मैं सबसे पहली औरत हूँ वो जिसने पूरे कश्मीर में मुहिम चलाई और मैं लाल चौक पे जाके खड़ा हुई जहाँ से आज से 70 साल पहले अलगावादी नेता सिर्फ पाकिस्तान के झंडे चढ़ाते थे हर जुम्मे को। तो मैं वो लड़की हूँ जिसने एक हिम्मत की वहाँ जाके तिरंगे को लहराया और आज के डेट में वहाँ पे एक मतलब बन रहा है, जैसे लाल चौक में हमारा तिरंगा चल रहा है वैसा काम वहाँ भी चल रहा है। बस आने वाले 15 अगस्त में इंशाल्लाह हम दूसरी बार वहाँ तिरंगा लहराएंगे। आपको डर नहीं लगा कि मतलब आप अकेली महिला हो करके इतना ज़्यादा मतलब इतना जब अलगाववाद इतना चरम पे था, आतंकवाद इतना चरम पे था, तो आप जाकर के अकेली महिला जिन्होंने तिरंगा पकड़ा, डर नहीं लगा? नहीं, किस बात का डर है? हम हिंदुस्तान का खाते पीते हैं, सब कुछ हिंदुस्तान से आता है, तो डर किस बात का है? हम बिल्कुल इंडियन है, वी आर ऑल इंडियंस, डर किस बात का है? लेकिन यहाँ की जो नेता है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने कहा था कि 370 हटेगा तो कोई झंडा उठाने वाला नहीं बैठे। अरे जब वो इख्तदार में थी हमारी महबूबा मुफ्ती साहिबा, वो कहती थी 98% हिंदुस्तानी है, 2% बाहर है। अब वो 2% जो बाहर है वो भी अब हमारे साथ है, जब वो उस टाइम पूरी प्योर इंडियन थी, आज क्यों वो इंडिया के खिलाफ है? ये सिर्फ ड्रामा है, लोगों को बहलाने फुसलाने का काम कर रहे, अपना वोट बैंक इस्तेमाल करते हैं इस झंडे की आड़ में, सब उनका झंडा ग्रीन कलर का है वो उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये वो लोग कश्मीर का जो ये लोगों को गुमराह करते हैं, अब ये कश्मीरियों को गुमराह नहीं कर सकते हैं। उन लोगों को आप क्या कहिएगा जो पाकिस्तान का झंडा यहाँ पे फहराते हैं, जो पाकिस्तान परस्त लोग हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप महिलाएं है ही नहीं कोई, किसी की हिम्मत ही नहीं है। जिस देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, कोई यहाँ कश्मीर में ऐसी हरकत कर सकता है पाकिस्तान का झंडा खड़ा कर? वो वक्त गुजर चुका है, इनकी जो सियासत थी वो ख़त्म होती थी, ख़त्म हुई है। यहाँ पर ये लोग स्टोन पेल्टिंग करवाते थे, ये तिजारत को ठप करवाते थे, उसी दम पे अपनी सियासत लड़ते थे। लेकिन अब जो वक्त है, अब ना स्टोन पेल्टिंग है ना कुछ है, विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, हर माँ के बच्चे अपने अपने मतलब बिजनेस पे सेटल हो चुके हैं, ये इनको रास नहीं आता, ये कश्मीर को कभी सुधर नहीं देंगे। अब वो वक्त इनके हाथ से चला गया है। ये बोलते थे चाहे फारूक अब्दुल्ला साहब हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, वो दिल्ली में एक बात करती थी, कश्मीर आके दूसरी बात करती थी। ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते, अब वो गुमराहबाजी ख़त्म हो गई है। इनकी जो नोटक की जो होती थी कि यहाँ को कंधे देने वाला तिरंगे को नहीं होगा, आप देख रहे हो, आप खुद देख रहे हो, हर बच्चा हर औरत हर मर्द हर बुजुर्ग के दिल में यहाँ तिरंगा बसता है। वो इनकी जो कारखाना थी, इनकी जो 70 साल वाली सियासत थी, अब कश्मीर में उसकी जगह नहीं है। यूथ को नकारा है, सब लोग इनको नकार रहे हैं। यूथ के बारे अगर मैं पूछूं कि यूथ जो है वो किस तरीके से डाइवर्ट हुआ, यूथ अब यहाँ से, हमें ये पिक्चर बताई गई कि स्टोन पेल्टिंग होती थी, जवानों पे जो है पथराव होता था, तो क्या अब वैसा सब कुछ नहीं? बिल्कुल, हम जो यूथ बैकबोन है सोसाइटी का, हमारा सिस्टम पे जो है वो सबसे पहले यूथ है। यूथ जब है तो हिंदुस्तान खड़ा है। जब कश्मीर का यूथ आएगा, आजकल के डेट में हर एक यूथ मोदी जी के साथ है। सोचता क्या है अगर आज के यूथ के अगर मैं बारे में पूछूं तो उसके दिमाग में क्या चलता है, क्या सोचता है, सोच क्या डर? देखो डेवलप किस चीज़ से होती है। अब आज हर कोई यूथ बोलता था कि हमें यूज़ किया जाता था, चाहे स्टोन पेल्टिंग में, चाहे PSA लगता था बच्चों के, चाहे टाडा केस हो उन पे बेचारों को, अब सफा, ये सब पिछले सरकारों की देन है। जब से केंद्र में सरकार आई, ना यहाँ PSA है, ना यहाँ स्टोन पेल्टिंग है, ना यहाँ कोई, हमारा जो यूथ है वो उससे खुश है। हमने एक मुहिम चालू की, हमने एक टूर्नामेंट कश्मीर में खोला है, हम यूथ सपोर्ट, यूथ को गामजन करते हैं खेलों की तरफ से, उनको ड्रग से दूर रखते हैं, जो नशा मुक्त भारत है। हमारी कोशिश यही है हर माँ का बच्चा बचे, चाहे कुछ भी हो, यूथ हमारा कश्मीर का जो है वो फूले फले, वो आगे बढ़े, क्योंकि देश का सपना उन्हीं को संवारना है। अच्छा, अभी जब मैं आपसे बातचीत कर रही थी तो आप मुझे बता रही थी कि जब जुमा होता है, जब फ्राइडे होता है, तो उस समय क्या होता है, उसके बाद जो है स्टोन पेल्टिंग होती थी। तो वो मंजर मैं समझना चाहूँगी कि कैसा क्या होता था, किस तरीके से चीज़ें होती थी। देखिए, जब हर फ्राइडे को अलगाववादी नेताओं की कालौती थी,
मतलब चाहे वो नौजवान हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, वो निकलती थी मतलब जुमे की तरफ से, वो आती थी कॉल तो निकलते थे सब। क्या कॉल आती थी? मतलब हड़ताल बंद, कश्मीर बंद, पूरा कश्मीर बंद। तो जब वो वहाँ जाते थे उनको कोई मकसद वहाँ पे दिखाई नहीं देता था कि हम किस लिए जा रहे हैं। ये इनको इस्तेमाल करते थे अपने मकसद के लिए, इनको फंडिंग होती थी, टेरर फंडिंग होती थी। हमारे जो नौजवान यहाँ पे उनको इस्तेमाल किया जाता था और जाते थे वहाँ, स्टोन पेल्टिंग होती थी, किसी को पैलेट लगता था क्योंकि पैलेट भी इन्हीं की देन है सब कुछ। जब से फारूख अब्दुल्ला नहीं, पैलेट गन महबूबा मुफ्ती साहिबा ने यहाँ पर पैलेट गन इस्तेमाल किए। 2019 से आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 30 यूथ आज़ाद है, हर व्यक्ति कश्मीर में अच्छी तरीके से घूम रहा है, तिरंगा लेके घूम रहा है। ये सारी मेरी जो बातचीत थी वो रोमांसा जी से मेरी बातचीत थी, जिन्होंने बताया कि पहले का यूथ किस तरीके से था, आज उस यूथ को डाइवर्ट किया गया है। पहले क्या होता था, पहले पेल्टिंग, स्टोन पेल्टिंग होती थी, अलगाववादी जो नेता थे वो उस तरफ जो है अलगाववाद मतलब स्टोन पेल्टिंग की तरफ यूथ को डाइवर्ट करते थे, उनको उस तरफ खींचने की प्रयास करते थे। लेकिन आज का जो कश्मीर है वो कहीं ना कहीं बदल रहा है, आज का कश्मीर जो है वो प्रोग्रेसिव कश्मीर हो रहा है। और आप ये देख रहे हैं कि चारों तरफ मेरे ये झंडा फहरा रहा है और ये बताने की कोशिश हो रही है, और उन नेताओं को भी ये बताने की कोशिश हो रही है जो ये लोग कहते थे कि तिरंगा पकड़ने को कोई नहीं होगा, तो आज चाहे बुज़ुर्ग हो, चाहे आप महिलाएं हो, ये सबके हाथों में आपको झंडा जो है नज़र आएगा। तो यही है शायद कश्मीर, बदलते कश्मीर की तस्वीर। ये क्या है? ये मोदी जी की तस्वीर है। अच्छा, कितना मोदी जी से यहाँ पे लोग प्यार करते हैं। अच्छा, दिखाइए। हाँ, आपको मैं एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ जो यहाँ की महिलाओं ने श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए बनाया है। मैं इनसे बातचीत कर रही थी तो इनमें से एक रोमांसा जी अंदर गए, उन्होंने ये लेके आई हैं, जिनमें अगर मैं आपको ये बोलूँ तो ये कश्मीर का जो है वो हैंडक्राफ्ट का ये काम है, और ये कश्मीर के हैंडक्राफ्ट से ये बनाया गया है, हाथ से। क्या बोलते हैं इसको? दबाकारी। इसको दबाकारी काम कहते हैं, और इन्होंने हाथ से जो है बनाया, मोदी जी की तस्वीर बनाई है। ये भाजपा कमल फूल है, और फिर आपका ये कितना मतलब इतना प्यार जो है ये कश्मीर जो है मोदी जी को दे रहा है। कितना समय लगा आपको ये बनाने? जी 2 महीने लगे इसको। यस। और किसने बनाया है? ये हमारी औरत है, जितना भी हमारा टीम है ये सबकी इसी की मेहनत है, टीम की मेहनत है, पूरी टीम ने इसको ये बनाया है। चलिए, ये थे मैंने आपको कश्मीर से जो मेरी रिपोर्टिंग थी, जो 370 हटने के बाद जो यहाँ की महिलाएं क्या कहना चाहती थी ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। इसी के साथ धन्यवाद। इंडियन जो कश्मीरी वुमेन्स हैं वो अपनी राय दे रही हैं। सो सबसे पहले तो ये चैनल जिन्होंने ये वीडियो लाकर सबके सामने रखी है, तो इन्होंने जिस तरह से उनसे जाकर बात की, वहाँ के लोगों से डिस्कशन करके हमें दिखाया कि वहाँ का माहौल किस तरह का है और वहाँ के लोग एक्चुअली रियलिटी में क्या सोचते हैं, तो मुझे तो ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। इसमें काफी फैक्ट्स जो है वो हमें देखने को मिले वहाँ की पब्लिक के, स्पेशली सब लोग आए हुए थे, उनको पता था हमसे बात होगी, तो वो सब जो है वो फ्लैग उठाकर लेकर आए हुए हैं। मतलब कि वो गाना मुझे यहाँ पर याद आ गया, हर घर तिरंगा, तो वही बात हुई, हर किसी के हाथ में तिरंगा नजर आ रहा था। और जो है एक मतलब जाहिर सी बात है इंडिया वालों के लिए तो एक पॉजिटिव मैसेज है, और जाहिर बात है उनको देख के बहुत खुशी भी हो रही होगी। और आई थिंक कि ये काफ़ी टाइम के बाद ऐसा वक्त देखने को मिल रहा है स्पेशली इंडिया को कि मतलब कि इस तरह से कश्मीरी जो हैं वो फ्लैग उठाकर इंडियन और वो खड़े हुए हैं, और आई थिंक दिस इज सेकंड टाइम गोइंग टू बी मतलब कि फ्लैग को जो है इंडियन फ्लैग को खड़ा किया जाएगा सबके सामने, मतलब कि लहराया जाएगा कश्मीर में। तो बहुत अच्छा लग रहा है वीडियो देख करके, वहाँ के लोग खुश हैं अपनी फैमिलीज के साथ, और फाइनली वो जो स्टोन बेल्टिंग होती थी पहले अब वो नहीं होती है, और उसके बाद जाहिर सी बात है यार इन लोगों ने बहुत तकलीफें सही हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को इन्होंने फेस किया है इतने सालों से, अब जाके कहीं ये थोड़ा सुकून का सांस लेने लग गए हैं, तो मुझे लगता है कि इनको खुश होना चाहिए यार, इनका भी हक है। और दूसरी बात कि इन्होंने कहा कि हम लोगों को पानी की बहुत मुश्किलात होती हैं, बिजली का बहुत मसला है, रोड कनेक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम होती है और इसकी ज़रूरत भी थी लेकिन कभी आज तक हमें मिला नहीं, लेकिन अब जो है अब जाकर हमें ये सब कुछ मिलना स्टार्ट हो गया है। मतलब हमें पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
का जो स्लोगन है उसके बारे में पता चला कि उसका एक्चुअली मीनिंग क्या है। फिर उसके बाद जो है वो जो स्कीम्स चली गई हैं जिसकी वजह से लोगों को फ्री में राशन दिया जाता है और सिलेंडर्स वगैरह दिए जाते हैं, मतलब कि यूपी में तो ये सब चल रहा था लेकिन कश्मीर में भी अब पहुंच गया, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए। बिकॉज देखो उन्होंने यूपी से कश्मीर तक का जो है वो कश्मीर तक चले गए, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इन लोगों को वो ज़रूरियात ज़िंदगी मिल रही है जिसकी जो ख्वाहिश करते थे, क्योंकि वहाँ पर वाकई में ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। इन लोगों का लाइफ इतना डिफ़िकल्ट होता है कि हम लोग सिर्फ बैठ कर एक इमेजिन कर सकते हैं कि इनकी लाइफ कैसी होगी। एक्चुअली इनकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, जैसा हम सोचते हैं उससे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। तो जो है वो देखकर अच्छा लगा। बाकी अब जहाँ तक मुझे लगता है कश्मीर के जो लोगों की बातें सुनी हैं, लोगों की आइडियाज़ को देखा है, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये कश्मीर के जो लोग हैं ये ज़्यादातर अब बीजेपी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, और अब अगर वोट की बात आएगी तो यकीनन ये बीजेपी गवर्नमेंट को ही वोट देने वाले हैं, क्योंकि इनका वोट पक्का वाला बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ जाने वाला है। क्योंकि जिस तरह से इन लोगों की बातों से आइडिया हो रहा है मुझे, और ये काफ़ी योगी जी और पीएम मोदी जी को बहुत ज़्यादा लाइक भी करते हैं, तो यस देखकर पता चल रहा है। सो गाइज आप क्या कहते हो इसके बारे में मुझसे ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा वीडियो था, जो है वो लोगों की मुश्किलात कम होते हुए दिख रही हैं, और मतलब कि ये लोग भी अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और आई होप कि ऐसे ही इन लोगों की ज़िंदगी खुशियों से भरी रहे। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।